सो है गाइज, दिस इज द गरीब साइक्लिस्ट। क्या आप एक गियर साइकिल खरीदना चाहते हो, वो भी 10,000 रुपये के अंदर? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलो देखते हैं मार्केट में कौन सा वो टॉप 5 साइकिल अवेलेबल है 10,000 रुपये के अंदर। हमारा पहला जो साइकिल है वो है लीडर की तरफ से, लीडर 20/20/60। इसका जो फ्रेम साइज है वो है 18 इंच। इसके लिए इसे 5 फीट से लेके 5 फीट 10 तक कोई भी राइडर इसे राइड कर सकता है। करंटली इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 7,999 रुपीज़। ये एक 7 स्पीड साइकिल है, इसका मतलब आपको आगे की तरफ कोई भी गियर देखने को नहीं मिलेगा। स्टील मटेरियल से बना हुआ है, ये 18 इंच का फ्रेम, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके ब्रेकिंग की बात अगर हम करें तो ये डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आता है और आगे की तरफ फ्रंट सस्पेंशन दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट जो साइकिल है वो है सीमेक्टिप स्प्रिंटर S2000। इसका जो करंटली मार्केट प्राइस है वो है 8,499 रुपीज़। ये एक 20/60 साइकिल है, इसका मतलब इसका जो व्हील साइज़ है वो है 26 इंच का और इसका जो फ्रेम है वो 16.5 इंच का है। इसका मतलब 5 फीट 6 से लेकर 5 फीट 10 तक कोई भी राइडर इसे ईजिली राइड कर सकता है। इसमें शिमानो टोनी का 21 स्पीड गियर दिया हुआ है। इसका डबल वाल्ड एलॉय रिम है, इसका मतलब आपको ऑफ रोडिंग में रिम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ब्रेकिंग के लिए इसमें डुअल डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और आगे की तरफ आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो साइकिल है वो है लीडर की तरफ से, लीडर ग्लैडिएटर 20/60। इसका जो करंटली मार्केट प्राइस है वो है 8,999 रुपीज़। तो इसका जो फ्रेम साइज़ है वो है 18 इंच का। तो ये 18 इंच होने के लिए ये 5 फीट से लेकर 6 फीट तक कोई भी राइडर इसे इजीली राइड कर सकते हैं। इसका ट्रांसमिशन सिस्टम की बात अगर हम करें तो ये 21 स्पीड का एक साइकिल है, ये स्टील मटेरियल से बना हुआ एक साइकिल है। इसके आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, लेकिन रेयर की तरफ आपको फ्री ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इसके आगे की तरफ फ्रंट सस्पेंशन दिया हुआ है जो कि ऑफ रोडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारा नेक्स्ट जो साइकिल है वो है लाइफ लॉन्ग की तरफ से, लाइफ लॉन्ग बोल्ट 20/60। इसका जो करंटली मार्केट प्राइस है वो है 7,999 रुपीज़। ये एक रोड बाइक है। इसकी ट्रांसमिशन सिस्टम की बात अगर हम करें तो ये 21 स्पीड का एक साइकिल है और इसमें माइक्रोशिफ्टर की गियर दिया हुआ है। इसका जो फ्रेम है वो हाई क्वालिटी स्टील से बना हुआ है और इसका जो फ्रेम साइज़ है वो है 18 इंच का, इसलिए 5 फीट 5 से लेके 5 फीट 10 तक कोई भी राइडर इसे इजीली राइड कर सकता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात अगर हम करें तो इसमें डुअल डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और इसमें आपको आगे की तरफ कोई भी फ्रंट सस्पेंशन देखने को नहीं मिलता, हालांकि रोड बाइक में फ्रंट सस्पेंशन देखने को नहीं मिलता। हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट जो साइकिल है वो है वेक्टर 91 एथेंस 20/60। इसका जो करंटली मार्केट प्राइस है वो है 9,999 रुपीज़। इसके ट्रांसमिशन सिस्टम की अगर बात हम करें तो ये है 21 स्पीड के एक साइकिल और इसमें माइक्रोशिफ्ट का गियर दिया हुआ है। इसका जो फ्रेम मटेरियल है वो है स्टील का और इसका जो फ्रेम साइज़ है वो 18.5 इंच का, इसलिए 5 फीट 4 से लेके 5 फीट 10 का कोई भी राइडर इसे ईजिली राइड कर सकता है। और इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता, इसमें दोनों व्हील पे आपको भी ब्रेक देखने को मिल जाता है। वेक्टर 91 एथेंस 20/60 ये एक हाइब्रिड बाइक है और इसके आगे हमको कोई भी सस्पेंशन देखने को नहीं मिलता है। हाइब्रिड साइकिल का जो मतलब होता है वो है आप इसे इजीली रोड में राइड कर सकते हैं और हल्का फुल्का आप इसे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। बजट साइकिल का ये जो सीरीज़ है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि 10,000 रुपये के अंदर कोई अच्छा सा साइकिल बताओ, तो ये सारी साइकिल जो है वो 10,000 रुपये के अंदर अवेलेबल है। वीडियो अगर यूज़फुल हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और साइकिल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, तो अगर साइकिल रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम में DM करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।